इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टम कंट्रोल सेटिंग्स के बारे में, जिसके अंदर आपको मिलती है ऑटोमेटिक डिसेबल नेविगेशन बटन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सेटिंग्स आपको खुली हुई दिखती हैं। तो इन एप्लीकेशंस पर आप नेविगेशन बटन को डिसेबल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो अब यहाँ पर ये मिलती कहाँ है आपको, मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये कहती भी है ऑटोमेटिकली डिसेबल। तो इस सेटिंग्स तक हम पहुँच कैसे सकते हैं, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको जो है सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर मिलता है आपको एडिशनल सेटिंग्स, तो एडिशनल सेटिंग्स को खोलना है। एडिशनल सेटिंग्स को खोलने के बाद आपको यहाँ पर आपको बटन एंड कस्टर शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, इसको खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिसेबल नेविगेशन बटन्स मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप क्लिक करके किसी भी एप्लीकेशन का नेविगेशन बटन्स को बंद कर सकते हैं। यहाँ पर डिसेबल ऑलवेज, आस्क डिसेबल यानी कि आपसे एक दफ़े परमिशंस मांगेगा, और नेवर डिसेबल यानी कि चालू रखना चाहते हैं। तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जितना भी प्रोसेस हुआ हमारे Redmi Note 5 Pro के अंदर हुआ है, तो आपके पास ये वाला फ़ोन है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।